नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो के साथ बहुत बहुत स्वागत है। और नई वीडियो के साथ मैं आ चुका हूँ सुनवल पे 2 महीने बाद। मेरी पुरानी वीडियो जो मतलब सब इससे पहले की वीडियो 2 महीने पहले डाली गई थी, उसके बाद काफ़ी यहाँ पे काम हो चुका है। तो बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले देखिए चैनल का इंट्रो और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैं अभी बैक कैमरा स्विच करता हूँ और आपको दिखाता हूँ सुनवल का प्लेटफॉर्म। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे RCC की ढलाई की गई है और ये बीच में ये हिस्सा क्यों छोड़ा गया इसका अभी मेरे को आइडिया नहीं है। यहाँ अभी देखिए एक अलग तरीके की ढलाई की गई है, मतलब ये ऊंची नहीं है, इसके ऊपर शायद मेरे को लगता है कि ग्रेनाइट या वगैरह कुछ लगाई जाएगी, इसलिए इसे पतला किया गया। देख रहे हैं इसके उसके बीच में हाइट कम है। और रही बात यहाँ ट्रैक्स जो बिछे हुए हैं कुछ, और OHE पोल्स देखिए लग चुके हैं, वायर भी इनकी वायरिंग भी हो चुकी है, जो OHE पोल्स की वायरिंग होती है वो भी हो चुकी है लाइन्स पे। हाँ, पर ये कि वायरिंग इन लोगों ने दोनों साइड से कंप्लीट कर दी। देखिए इधर भी वायरिंग कंप्लीट है, मतलब जितने ट्रैक्स हैं सबकी वायरिंग कंप्लीट कर दी है, भले वहाँ पे अभी ट्रैक्स लगे हैं चाहे ना लगे हो पूरे तरीके से, पर जो है वायरिंग पूरी कर दी गई है। भाई देखिए आगे भी आधा स्लीपर बिछा हुआ, आधी ट्रैक्स लगी है, आधी पूरी नहीं लगी है, पर इन लोगों ने OHE का जो काम है पूरा कर दिया है। यहाँ की तरफ काफ़ी बड़ा और बड़ा स्टेशन लग रहा है। लाइन्स देख रहे हैं, एक ये प्लेटफॉर्म की लाइन हो गई, एक इसके बगल में लाइन, मतलब 3 एडिशनल लाइन्स हैं ट्रेन के लिए यहाँ पे रोकने के लिए, क्योंकि सुनोवल जो है यहाँ का प्रमुख स्टेशन होने वाला है, जिसके बाद जो है ट्रेन रेलरोड ब्रिज की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। और रही बात ताड़ी घाट के लिए, तो ताड़ी घाट के लिए भी यहीं से ट्रेनें डाइवर्ट होंगी, एक तरीके से जंक्शन बन चुका है, इसलिए यहाँ पर ट्रैकों की संख्या अधिक दी गई है। रही बात यह प्लेटफॉर्म शायद इधर की जो ट्रेनें होंगी या फिर जो भी मालगाड़ी या गुड्स ट्रेन का ऑपरेशन होगा वो इस प्लेटफॉर्म पर शायद रुका करेंगी, इसलिए यहाँ पर जो है इस लाइन को बनाया गया है इधर तक सिर्फ, इसके आगे स्टेशन की बिल्डिंग है। और रही बात ये प्लेटफॉर्म 1 है, या मेरे हिसाब से ये 1 हो सकता है, ये 2 हो और वहाँ की तरफ में सामने में 3 और उसके बगल में 4। टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स यहाँ पे बताया जाए तो 1 और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ट्रैक्स है, नंबर ऑफ ट्रैक्स 7 हो रही है इस समय एट प्रेजेंट सिचुएशन। और रही बात मैंने स्टेशन बिल्डिंग की, तो आपको लास्ट टाइम काम दिखा दिया था, उसी समय जो बिल्डिंग तैयार हो गया था, बाकी उसमें अंदर थोड़ा बहुत काम बचा था, जैसे उस समय नाली वहाँ बन रही थी बड़ी सी, तो वो इस समय तक तो हो गया होगा। और यहाँ देखिए RCC की ढलाई हो रही है, अगर मैं आपको दिखाऊँ इस गाड़ी से, तो अब यहाँ पे सीमेंट जो है डाला जा रहा है इसके कोने पर, कोने वाले हिस्से पर, और बाकी वहाँ पर OHE पोल्स के जो पोल्स हैं यानी OHE के बड़े वाले जो कनेक्टिंग कनेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं ऊपर वाले, वैसे वहाँ पर रखे हुए हैं, उनकी जो रंगाई हो रही है इस समय। यहाँ देखिए यहाँ पे इसे डाला जा रहा है। और रही बात यहाँ पे जो पूरे यहाँ से आगे तक नालियों का निर्माण हुआ है, ये वाली नालियों की मैं बात कर रहा हूँ। और आगे की तरफ बढ़ता हूँ, स्टेशन बिल्डिंग दिखाता हूँ आपको, सीधा आगे की तरफ पहुँच के। और अभी हम स्टेशन बिल्डिंग की तरफ आ चुके हैं, यहाँ भी जो ढलाई RCC के नीचे हो गई है, पर ये भी काफ़ी नीचे की तरफ है, और ये मुझे लगता है कि हाल ही में 3-4 दिन में ही ढलाई हुई है, काफ़ी जिसका कलर है वो डार्क दिख रहा है, यानी अभी भी हल्का कच्चा लग रहा है देखने से, पर ये है कि अभी चलने के लिए सख्त हो गया। ये वाला हिस्सा तो मैंने दिखा, इससे मैं सब दरवाजे लगाए हैं शीशे के, ये नया दिख रहा है। और हाँ, यहाँ बीच में एक नाली का हिस्सा था, वो लगता है नाली, हाँ देखिए इधर दिख रहे हैं ना, ये नाली पहले खुली हुई थी, इसको बनाकर ढक दिया गया, टाइल्स यहाँ लग गया है। और ये व्हीलचेयर एक्सेसिबल एंट्रेंस है, यहाँ तक सड़क आई हुई है स्टेशन की, और ये टिकट काउंटर होने वाला है हमारा स्टेशन का। देखिए यहाँ खिड़की जी, यहाँ पे हो सकता है ट्रेन का टाइम टेबल वगैरह लगाया जाए, इस हिस्सों में जो है उठाता हूँ ट्रेन का टाइम टेबल वगैरह यहाँ लगाया जाए, ये पूछताछ काउंटर है, टिकट काउंटर। और अगर यहाँ पे जो मैंने भी यहाँ पे जो OHE पोल्स के जो ऊपर वाले से उनको रंगाई का काम चल रहा है, उसे ब्राउन कलर का पेंट से किया जाए ताकि रस्ट ना पकड़े, उसके बाद जो है इस पर सिल्वर कलर का पेंट किया जाएगा। रही बात आगे के हिस्सा, अभी भी जो है बाकी है काम करना, जिसकी ढलाई नहीं हुई, सिर्फ इतने हिस्से की ही जो है ढलाई हुई है। और इस तरफ में आप देख रहे हैं राइट साइड में, तो इस तरफ की जो ढलाई अभी हुई है आगे भी, और बाकी प्लेटफॉर्म 2 और 3 पे जो है अभी भी जो है मिट्टी डालने का काम किया जा रहा है। और यहाँ पे कुछ ट्रैक मैंस लगे हुए हैं ट्रैक के फिश प्लेट्स बैठाने के लिए। बीच वाली लाइन जो है अभी करेंटली ऑपरेशनल है, वो वाली लाइन जैसे ये जो नंबर दिख रहा है जिसमें, ये वाली लाइन ऑपरेशनल है, ये लाइन जो है अपनी ताड़ीगढ़ पैसेंजर इस्तेमाल करती है, तो मेन लाइन अभी करेंटली वही है।
और इन फ्यूचर भी वही मेन लाइन रहेगी, क्योंकि ये सब तो लूप लाइन्स होगी प्लेटफॉर्म की। तो यही सब काम होता हुआ जो है सोनोवाल स्टेशन पर नज़र आया है। पूरा डिटेल अपडेट सोनोवाल स्टेशन का, यहाँ की तरफ भी काम चल रहा है उधर भी, और पीछे की तरफ जो है जेसीबी द्वारा जो है ईंटें ले जाए जा रहे हैं, वहाँ पर रखे जा रहे हैं उसमें लोड करके, अभी वो पहुँचा कर वहाँ से आ रहा है। तो बस यही एक पूरा अपडेट था सोनोवाल रेलवे स्टेशन के ऊपर। और हम इधर आगे की तरफ आए हुए थे, स्टेशन बिल्डिंग मैंने आपको पीछे दिखाई दी थी, तो मैं आगे की तरफ आ गया था, तो यहाँ सोचा मैं आपको अगले से भी दिखा दूँ। यहाँ जो ट्रैक्स है उसे भी मेन लाइन पर नहीं जोड़ा गया, जैसे देख सकते हैं ट्रैक्स बिछे हैं पर इसे एग्जिस्टिंग जो अभी मेन लाइन चल रही है उससे नहीं जोड़ा गया ऑपरेशनल। रही बात यहाँ सॉइल की, जो लेवलिंग पूरी तरीके से देखिए बैठ चुकी है मिट्टी, और यहाँ की तरफ है RCC की ढलाई शुरू हो गई, देखिए जो मैं अभी पीछे दिखा रहा था यहाँ पर हो रही है, यहाँ अभी बराबर किया जा रहा है इस पर जो RCC की जो ढलाई की जाएगी। और प्लेटफॉर्म 2 और 3 के तो वही स्थिति है, जो अभी मिट्टी भी वहाँ पर ठीक से बराबर नहीं हुई है, तो वही बराबर की जा रही है, मिट्टियाँ डाली जा रही हैं अभी भी। तो बस यही काम था इस तरफ से, तो बस यही एक पूरा अपडेट था सोनोवाल रेलवे स्टेशन के ऊपर। तो जो लोग भी वीडियो में अंत तक बने हुए थे उनका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और कोई सुझाव होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं कभी किसी नई वीडियो में नए अपडेट के साथ नई जगह से, तब तक धन्यवाद।